नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ गांव ऐसे हैं जहां अभी तक नहीं बन पाई है सड़क, जिसमें ग्राम मनिया टोला से खेड़ा रामा टोला विगत कई वर्षों से यहां पर 2000 से अधिक लोग निवास कर रहे हैं। इस खबर के माध्यम से सभी लोग आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि अभी तक इन सभी गाँव की गली कच्ची है, सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिसके प्रति गांव वालों ने कई बार प्रयास भी किए परंतु बजट कम होने का हवाला देकर कभी भी इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, कीचड़ इतनी है कि दलदल बना हुआ है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, बुजुर्ग पैदल तक नहीं चल पा रहे हैं, गांव में एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है जिससे मरीज हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। स्कूल वैन गांव में नहीं पहुंच पा रही है जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी विभिन्न अनेकों समस्याएं सड़क के नहीं होने से हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं। हमने कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे गाड़ियों के आने जाने में दिक्कतें होना, साथ ही साथ बरसात के समय में बच्चों को गंदे पानी से निकल कर स्कूल जाना आदि दिक्कतें हैं। अतः सभी गाँव वालों ने शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन किया है कि आप हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द ध्यान कर निपटाने के प्रयास करें जिसकी हमारी समस्या का समाधान हो सके। आशा है कि शासन प्रशासन हमारी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द हमारी इस बड़ी समस्या से निजात दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। गांव वालों का ये भी कहना था कि अगर सड़क नहीं बनी तो हम यहां पर एक बोर्ड लगाकर वोट का टोटल बहिष्कार करेंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव वालों का ये भी कहना था कि इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने ग्राम प्रधान से बात की तो साथ ही कुछ ग्रामीण से भी बात की, उनका क्या कहना था। कौन से गांव से हैं आप? रामा टोला जी। क्या समस्या है सड़क को लेकर आपकी? सड़क को हमारे खबरा लड़का बच्चे खबरा है, हमारे काका से स्कूल नहीं जा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है और हमारे रोटे नहीं सुधर रही है। तो सड़क को लेकर आपने शिकायत की है? नहीं, कार्य हमने शिकायत कई बार, बहुत बार हमारे कोई सुनाई नहीं है हमारे। क्षेत्रीय विधायक, तहसीलदार महोदय, क्या SDM साहब पास कभी गए हैं? कलेक्टर गए आप मंगलवार जन सुनवाई? हम पंचायत भी चलेगा जी, हमारे कोई सुनाई नहीं है हमारे जी। नल की व्यवस्था भी नहीं है जो गांव में पानी के लिए। अभी क्या चाह रहे हैं आपकी, क्या मांग है सब लोग? हमें रोड भी सुधरना चाहिए और हमारे मकान पानी के नाने जाते, पानी के नाने पानी बगाते हुए पाइप हमारे घर में बल्ब भी जलन खुले। सड़क को लेकर आपका क्या कहना है, क्या मांग है? मेरा ये कहना है कि खिरका से रामा टोला तक सड़क बनना चाहिए। किस प्रकार स्थिति है यहाँ? बहुत गंभीर स्थिति है जी, लड़के स्कूल के लड़के बच्चे जो हैं बहुत परेशानी जा रही है। कितने वर्षों से ये समस्या? ये करीब होगी जब से ये गांव बसा है, समथिंग मान लो तब से कोई विकास हुआ नहीं है। रोड इतनी खराब है कि बच्चे गिर रहे हैं, कोई बहुत दुर्घटना हो रही है यहाँ पर और इसका कोई निर्माण नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? अनोद उइके। आप अभी ग्राम पंचायत नोनी कला के नवनिर्वाचित सरपंच जी, लगभग आपके ग्राम पंचायत में 7 से 8 गांव आते हैं जी, लगभग जी। तो एक गांव ऐसा है, ये रामा टोला जो है मनिया टोला से हुए आया है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण से मैंने बात की जी, जी। ये सड़क की इनकी बहुत सारी समस्या है, तो ये सड़क को लेकर आपके द्वारा क्या ऊपर कुछ ऐसी मांग की गई और सड़क कब तक बन जाएगी, चूँकि आप सरपंच है जी इसी गांव में? मैं भी यहां पर बहुत आता जाता हूं, ग्राम पंचायत नोनी कल्ला नोनी खुर्दे में आते हैं रामा टोला डोंगरी टोला जी। ऐसी दो सड़क है यहां पे जिनके बेटा बेटी सभी लोग पांजरा जाते हैं यहां से, और करीबन करीबन 2 किलोमीटर रामा बड़नोनी से डोंगरी टोले की रोडें नहीं बनाई जा रही है, रामा टोला खरका टोला से रोड नहीं बनाई गई है। तो मेरा कहना ऐसा है कि पब्लिक बहुत परेशान रह रही है, तो मैं माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी से, SDM महोदय जी से कहना चाहता हूं और शासन प्रशासन से सभी के चरण छी करके प्रणाम करता हूं ये ग्राम पंचायत नोनी बर्रा की जनता की ओर से, कि इन गरीबों की यहां पर आदिवासी लोग और यादव लोगों को ज्यादा मोहल्ला है जी, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये आपके द्वारा ऊपर के ऐसा मेल या प्रतिवेदन कोई पहुंचाया जाएगा, तो चूंकि आप सरपंच है आपको अधिकार है जी, तो आप एक SDM साहब या तहसीलदार पास कोई आवेदन ज्ञापन देंगे इसके लिए? जी हाँ, देना चाहते हैं जी, और अभी विधायक मोदी जी के पास भी गए थे हम लोग, तो विधायक मोदी जी कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा पर बनाने का पूरा प्रयास में है, ऐसे विधायक जी बोल रहे हैं। तो क्या इस सड़क का सर्वे हो चुका है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्वे हो गया है, पैसा डल गया लेकिन सड़क नहीं बनी, क्या ऐसा कोई मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो अभी कोई पैसे ऐसे नहीं है, रोजगार गारंटी से पहले बनाई गई थी, इसके बाद में कोई पैसे ऐसे मेरे अनुमान से अभी तो कोई पैसे नहीं डाले गए हैं जी, जो भी कर रहे हैं लोग गुमराह करते रहते हैं लेकिन अभी कोई पैसे नहीं डाले गए हैं। जनपद सदस्य जो यहाँ पर बने हैं, क्या उनके पास भी आपने ये सूचना दे दी है? हाँ जी दे दी। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज, जिला छिंदवाड़ा। मैं अभी खड़ा हूँ छिंदवाड़ा जिले के
चोरी और चांद तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, ग्राम पंचायत नोनी कला, उसके अंडर में 7 गांव है। उसमें एक गांव में मैं अभी खड़ा हूँ, रामा टोला, जो कि मनिया टोला से होते हुए खेड़ा, खेड़ा से होते हुए रामा टोला। यहाँ से ये सड़क की मांग इनकी बहुत दिनों से थी, लेकिन ये सड़क अभी तक यहाँ पर बन नहीं पाई है। चूंकि अभी पिछले महीनों चुनाव थे, सभी जनप्रतिनिधि नेता यहाँ पर आए, कैनवासिंग की, जनता से वोट मांगी, जनता ने अपना वोट भी दिया। लेकिन चूंकि अपना देश प्रजातांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरी दुनिया में, और यहाँ प्रजातंत्र सबसे बड़ी ताकत है, और प्रजा और जनता ही अगर परेशान है तो इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र का क्या मतलब। तो इनकी गांव की अपने लोकतंत्र और आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 संविधान के 21 के अनुसार जनता को भी अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है। उसी आधार पर इन लोगों ने आज हमें यहाँ पर सूचना दी, और इन लोगों ने ये मांग रखी कि ये सड़क की बहुत बुरी स्थिति है। चूंकि हमने यहाँ ग्रामीण से भी बात की, यहाँ के जो नव निर्वाचित सरपंच है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जनता ने कहा और सरपंच साहब ने भी कहा कि इसकी सूचना हमने कलेक्टर महोदय को दी, SDM महोदय को दी और क्षेत्रीय विधायक को भी दी, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द अगर ये सड़क का निर्माण हो जाता है तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर गाँव में समय पर नहीं आ पाती है, जिससे मरीज यहाँ पर हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। और ये सड़क की बुरी स्थिति होने से 3-4 घटना यहाँ पर ऐसी हो चुकी है जो कि उनकी कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। अगर आगे निरंतर ऐसी घटना घटती रही और इस सड़क के माध्यम से अगर ऐसी बड़ी दुर्घटना अगर घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए शासन प्रशासन से इन लोगों की मांग है कि ये जो सड़क यहाँ पर आवंटित है इसको टोटल किसी भी फंड से किसी भी आधार पर इसे नियुक्ति स्वीकृत दिलाकर यहाँ पर सर्वे कराकर ये सड़क का निर्माण कराया जाए। मैं ललित रघुवंशी, टाइम न्यूज जिला छिंदवाड़ा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।